कोंकण रेल्वे पुलिसांनी 2 मे दिसा चलपी गाडयेतल्यान 7 किल भांगर चोरपाची केस हाताळी. पुलिसांनी 8 आरोपींक अटक करून तांचे कडल्यान 2 कोटी रुपया मोलाचे भांगर आनी हेर 1 कोटी रुपयाचो माल जप्त केलो. कागाळ करपी पनवेल सावन केरळात भांगराच्यो वस्तू व्हरताना ही चोरयेची घडणूक घडली. 2 आरोपी भांगरा आशिल्ली ब्रीफकेस चोरून रेल्वे क्रॉसिंग खातीर काणकोणा देवले. मुखेल आरोपी अर्चना आनी धनपत्रे रावताले त्याच वाठारात भांगराचे वेपारी भांगर व्हरताले अशी माहिती मेळ्ळी. फुडलो तपास चालू आसा अशें आयजीपीन सांगले. 2 मई को एक रनिंग ट्रेन में 7 किलो गोल्ड की चोरी हुई. एक ट्रेडर जो पनवेल से केरला ट्रेन जाती है उसमें कॉरियर के तौर पे अपने गोल्ड को ऑर्नामेंट्स को केरल लेके जा रहा था मुंबई से पनवेल से. उस रनिंग ट्रेन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर 2 एक्यूज्ड वहाँ से चढ़ते हैं और उसका पीछा करते हैं. ट्रेडर रिजर्वेशन की बॉगी में था और जो मुलजिम हैं वो अनरिजर्व्ड बॉगी में बिना टिकट बैठे हुए थे. फिर इन्होंने कानकोना के आसपास के जो CCTV अवेलेबल थे फुटेज उनको देखा तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर बस स्टेशन पर भी सिमिलर इमेज के लोग जो 2 लोग दिख रहे हैं. टीम ने उन दोनों को अप्रेहेंड किया, डीप इंटरोगेशन किया और उसके बाद कुल मिला करके 8 लोगों को और इन्होंने आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया. इन्होंने पाया कि इसमें मास्टरमाइंड थे अर्चना और धनपत्रे. ये लोग उस कॉलोनी में रहते थे जहां पर ट्रेडर का घर था और जनरल डिस्कशन में ये आ गया ट्रेडर ने कि मुझे गोल्ड का कंसाइनमेंट लेकर के जाना है. उसने ये नहीं बताया कहां जाना है लेकिन इतना बता दिया कि कोई बात नहीं कि गोल्ड कंसाइनमेंट लेकर के जाना है. उसने बोला कब जाएगा, उसने बोला शाम की ट्रेन से. इतनी ही एनालिसिस से अर्चना और धनपत रे ने अपने इन लोगों को म्यूल को बैठा दिया और कानकोना रेलवे स्टेशन के से पहले जब ट्रेन क्रॉसिंग पर जिसको रुकना नहीं चाहिए उसमें से रुक गई और ट्रेन से वो दोनों लोग एक्यूज उतर गए थे. इस केस में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है. इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि किस किस तरह से क्रिमिनल लोग और जनरल पब्लिक को क्यों नहीं अपने इंटेलिजेंस, जब भी आप कभी कैश या ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आइटम लेकर के कहीं जा रहे हैं आपके मार्फत मैं जनरल पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि अपनी मूवमेंट का, अपने साधन का और अपने डे एंड टाइम का किसी को जानते हुए लोगों को भी डिस्क्लोज ना करें. यू नेवर नो कि तीसरा आदमी उस बात सुन करके क्या आपकी इंटेलिजेंस ले जाए. गोवा 365 का तिरडीरन रॉड्रिक्स, मनीष परब और निखिल जलमी.